2000 से 2004 श्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में युवा मोर्चा राष्ट्रीय मंत्री, 2004 से 2007 श्री धर्मेंद्र प्रधान जी की अध्यक्षता में युवा मोर्चा राष्ट्रीय मंत्री, लगातार 5 कार्यकाल भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य, 2007 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के रूप में सिकंदरपुर बलिया से चुनाव लड़े, 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े व जीते, 2022 में भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े, हार हुई। सत्ताधारी भाजपा के अध्यक्ष बने संजय यादव, जमकर हुई आतिशबाजी, खूब बटी मिठाइयां, जाने संजय यादव का राजनीतिक सफर, कब क्या मिले जिम्मेदारी। संजय यादव का जन्म 5 सितंबर 1979 को कासिली देवरिया में हरिनाथ यादव के घर हुआ था। संजय यादव पिछड़ा वर्ग अहिर समुदाय से आते हैं। सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के करमौता गांव के समीप उनका आवास बना हुआ है। पहली बार उन्होंने सिकंदरपुर में 2017 के चुनाव में भाजपा के कमल निशान को कमल खिलाने का काम किया। हालांकि 2022 के चुनाव में सपा के मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी से चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए पूरे जिले का कमान उनके हाथों में सौंप दिया है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। जैसे ही यह खबर सिकंदरपुर के लोगों को मिली, बस चौराहा पर नगर पंचायत अध्यक्ष पुत्र विजय जायसवाल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पटाखा फोड़ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। वहीं शीर्ष नेतृत्व को बधाई दिया। इस मौके पर सुजीत मोदनवाल, ईशांत शर्मा, अनूप, दीपक, विक्की, भोलू पांडे, आकाश तिवारी, अंजनी यादव, बिट्टू पांडे, गुड्डू पटेल, मिठाईलाल राजभर, प्रमोद गुप्ता, विक्की सिंह, संतोष यादव, सतीश जायसवाल, जेपी वर्मा, नन्हे गुप्ता, दिनेश जायसवाल, राजू गुप्ता, राजू तुरहा, राम प्रकाश कनौजिया, संतोष सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जय बाबा की जय।